अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए आज मैं आपको फ्रेंच टोस्ट बनाने की रेसिपी देती हूँ। फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ये मैं आज दो ब्रेड का जो है फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ। ये देखे दो पीस है मेरे पास, तो इसके लिए मैं एक एग का इस्तेमाल करूंगी। साथ ही मैं थोड़ा सा, ये मेरे पास फूड कलर है येलो कलर में, ऑरेंज कलर है, ये येलो नहीं है बिल्कुल, पिंच से भी मैं थोड़ा सा डालूंगी। 4 स्पून टीस्पून जो है वो मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। तो सबसे पहले एक प्लेट ले लें और इसके अंदर आप ये जो एग है ये तोड़ के डाल दें। शुगर बताई थी वो आप इसके अंदर ऐड कर लें, और साथ ही बिल्कुल थोड़ा सा ये जो फूड कलर मैंने बताया था आपको, ये मैं इसलिए डालती हूँ कि जो टोस्ट का कलर है वो इससे बहुत ही अच्छा येलो येलो नाइस सा कलर आ जाता है। आप देखिएगा कि फ्राई करने के बाद कितना ही खूबसूरत ये कलर निकलेगा। तो ऑयल या बटर जो आपकी मर्जी है, डिपेंड करता है, आप डाल सकती हैं। तो फिर हम ये करेंगे और इसके अंदर मैं डालूंगी दूध तकरीबन 4 टेबलस्पून के। 4 टेबलस्पून जो है वो मैंने इसके अंदर मिल्क ऐड किया है, और अब आप इसको अच्छी तरह से फेंट लें, इतना फेंटे कि ये जो आपको अंडे के ये पीसीज नजर आ रहे हैं बारीक बारीक, ये बिल्कुल भी नजर नहीं आने चाहिए। क्योंकि जब भी आप टोस्ट बनाएंगी, सॉरी ब्रेड बनाएंगी, तो फिर ये है कि उसके ऊपर जब आप फ्राई करने लगेंगी तो उसके ऊपर ये जो पीसीज अंडे के वो अच्छे नहीं लगते सेपरेट। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको फेंट लें। तो यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन ले लिया, तो इसके अंदर मैंने ऑयल डाला है। देखिए डीप फ्राई करने के लिए, बहुत इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे, लेकिन इतना ऑयल इसके अंदर ऐड होना चाहिए कि टोस्ट का जो एक साइड है वो बिल्कुल ऑयल के अंदर डीप हुई हो। तो फिर मैं ये जो टोस्ट है ये मैं इसके अंदर अच्छे तरीके से इसको कर लूंगी। मैंने इसकी साइड्स निकाल दी हैं क्योंकि मेरा जो बेटा है वो इसकी साइड्स पसंद नहीं करता, इस वजह से मैं ऑलवेज इसकी साइड्स निकाल के तो मैं फिर इसको फ्राई करती हूँ। तो बस जब ये अच्छे तरीके से ये इसको स्पून के मदद से आपने यूं नीचे नीचे इसको करना है, ताकि जो हमारा मिक्सचर जो हमने बनाया है वो सब टोस्ट के अंदर चला जाए। और जो आपकी इसकी जो आंच है वो बिल्कुल धीमी रखिएगा, बहुत ज्यादा लो मत कीजिएगा। स्टार्ट में जब आप डालने लगेंगी तो ये होगा कि बहुत केयरफुल डालिएगा, जैसे मेरे हाथ से एकदम छूटा है आपके हाथ से भी छूट सकता है। तो बस आपने ये करना है कि इसको लो हीट पे आप कीजिएगा, लो हीट पे जितना आप करेंगी इसका कलर उतना ही नाइस निकलेगा, और उतना ही ये खाने में भी उतना टेस्टी होगा, और अंदर से ये बिल्कुल आपको कच्चा भी नहीं लगेगा। ठीक है, बस अब देखिए साथ साथ इसको चेक करती रहें कि एक साइड से ये हुआ है कि नहीं, लेकिन हम देखेंगे इसका इस तरह से पिंक पिंक सा कलर आया है। लेकिन अभी हमने इसको और थोड़ा सा ब्राउन करना है, क्योंकि फ्रेंच टोस्ट जो है वो जरा ब्राउन ही अच्छे लगते हैं और थोड़े से क्रिस्पी मजे के लगते हैं। अगर हम इनको थोड़ा तेज आग पे पकाएंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा खाने में कि ये कैसे टोस्ट बने हैं। आपने इसको दोनों साइडों से देखिए लाइट ब्राउन कर लेना है। मैं आपको इसमें निकाल के दिखाती हूँ, इसको आपने लाइट ब्राउन दोनों साइडों से कर लेना है। देखिए कितना अच्छा नाइस सा कलर इसका फ्रंट टोस्ट का आया है। मैं उम्मीद करती हूँ नाज़रीन के आज की ये मेरी रेसिपी आपको बहुत